देखिए मुझे बटर चिकन पसंद आया है, ये सरदार केटरर्स ने बनाया ना। गुड, मैं उनके शेफ से मिलना चाहूंगा। श्रीकाल जी। देखिए मुझे आपके हाथ का बनाया बटर चिकन पसंद आया है, लेकिन मैं कुछ बातें आपके सामने साफ कर देना चाहता हूं। ये एक बहुत बड़ी शादी है, इसलिए मुझे उस दिन भी यही टेस्ट और यही क्वालिटी चाहिए। तो सिर्फ फिक्र ना करो जी, मैं सब संभाल लूंगा। ओके। लेकिन आपको कभी सरदार केटरर्स में पहले देखा नहीं? जहां तक मुझे याद है वहां की मेन शेफ तो मिस्टर सरबजीत सिंह है। हाँ जी, वो तबीयत नहीं ठीक है जी उनकी। रेस्ट कर रहे हैं घर पे। ओह हाँ जी, वो काम कब से शुरू करना है? वेल, आज से हो जाएगा। अब अगर रानी के पास भी कोई आइडिया नहीं हुआ तो बाबा जी आप ही मालिक हो, याद रखना। रानी, रानी। अच्छा वो तुम यहीं मिल गई, मैं तुम्हें मिलने आ रही थी, मुझे तुमसे बड़ी जरूरी बात करनी है। बात करने का फायदा तो था वो जब कोई सुनना चाहे लाइफ में, यहाँ तो हर बात पे या तो उल्टा जवाब मिलता है या फिर धमकी। ये आजकल के लड़के ना एटीट्यूड तो ऐसे लेके घूमते सर पे जैसे नया हेयर स्टाइल हो, और ईगो गुब्बारे की तरह फूला रहता है। बिल्कुल सही कहा। इनकी नखरों को काबू करना कितना मुश्किल हो गया पता है, हर बात पर लड़ाई, हर बात पर झगड़े। कोई तो तरीका ढूंढना ही होगा इन लड़कों को लाइन पे लाने का। अरे बाहर में जाए, मुझे परवाह ही नहीं है, नई लाइन पे आता तो ना आए। इससे अचानक क्या हो गया? अभी तो ठीक ठाक बात कर रही थी। एनी, हम इतने बेपरवाह भी तो नहीं हो सकते ना, आखिर में हमें इन्हें मनाना है ना। क्या करूं? हाँ, मैं उनके लिए अच्छा खाना बनाती हूँ, और वैसे भी मैंने सुना है लड़कों के दिल का रास्ता ना सीधे उनके पेट से होके जाता है। अरे खाक जाता है, अच्छे बुरे खाने की तमीज हो तब तो कोई असर हो। पूरी कटोरी में तेल तैर रहा था ऊपर, और बोलते हैं कि परफेक्ट टेक्सचर है। पर एनी, तुम किसकी बात कर रही हो? तुम भाई के बारे में बात कर रही हो ना? और किसकी बात करूंगी? पर तुम किसकी बात कर रही थी? कुछ भी नहीं गी, तुम भाई को मनाने का तरीका क्यों ढूंढ रही हो? ऐसा झगड़ा हुआ क्या? पूछ मत एनी, कोई इंसान झगड़ा करके खत्म कर लेना तो समझ में आता है, पर मार वो तो नाराज होकर बैठे। सुबह से परेशान हो चुकी हूँ मैं, सारी आइडियाज लगा चुकी हूँ, बस कुछ भी काम नहीं कर रहा। ओहो, तो ये प्रॉब्लम है? अरे इसका सोल्यूशन तो है मेरे पास, तुम बैठो यहाँ पे। क्या? हम कोई अच्छी से रोमांटिक मूवी देखते हैं, हमारा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और हमें जरूर कोई ना कोई टिप मिल जाएगी। सच्ची? बिल्कुल। गीत, डेटिंग टेक्निक सारी है, यहाँ तो पक्का कुछ ना कुछ मिल जाएगा। कि एनी के कहने पर तो ये अंग्रेज़ वाली हरकत तो कर रही है, मगर पता नहीं बड़ा अजीब सा लग रहा है। एक अच्छी सी ड्रेस पहन लेना। सो तो मैंने पहन ली, अब बाथटब में और सारे बाथरूम में गुलाब के पेटल्स डाल देना। अब बालों में और चेहरे पर थोड़ा पानी छिड़क देना। पानी, अब चुपचाप बैठकर इंतजार करना। मीटिंग से आ गए? मैं तो वापस आ गया, पर तुम मेरे बाथरूम में क्या कर रही हो? वो, हाँ वो आउटहाउस का बाथटब लीक हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं आपके बाथरूम में नहा लेती हूँ, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? तो तुम हर रोज ये गुलाब के फूल, कैंडल्स वगैरह लगा के नहाती हो? नहीं, मतलब हाँ, हाँ,
इस सवाल का जवाब तो मैंने सोचा ही नहीं था। उस शो में उस होस्ट ने क्या जवाब दिया था? हाँ हाँ, उस लड़की ने तौलिए से अपना मुंह साफ किया था और फिर कहा था यस ऑफ कोर्स। तुमने इतनी इंग्लिश बोलनी कब से शुरू कर दी? और मुझे बिना बताए तुम मेरे बाथरूम में आ गई हो, वो बिनाने के लिए। हाँ तो ठीक है ना। ये तो चुपचाप खड़े हो गए, फिल्म में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फिल्म के मुताबिक तो उन्हें मेरे पास आना था और ये टॉवल लेना चाहिए था, और जैसे ही वो टॉवल पकड़ते उनकी कसम टूट जाती। मगर ये तो तब होगा ना जब वो मेरे पास आएंगे। तुम नहा रही हो या नहीं? हाँ बिल्कुल नहा रही हूँ। ना इंतजार किस बात का है? हाँ इंतजार किस बात का है? मनाऊंगी कैसे? बाहर तो चाहिए गीत।